इस दुनिया में वर्स्ट केमिकल स्मेल का खिताब किसको मिला हुआ है, किस कंपाउंड को मिला है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, थायोएसीटोन, ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, इसी कंपाउंड को दुनिया का वर्स्ट केमिकल स्मेल वाला कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, जब इसकी प्रोडक्शन हो रहा था 1889 में, तो फ्रिगबर जर्मनी में इसका प्रोडक्शन कुछ साइंटिस्टों के द्वारा किया जा रहा था। तो हुआ क्या, उन्होंने ट्राईथायोएसीटोन लिया था, ये उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्राईथायोएसीटोन, और उसको क्रैक करके उन्होंने ये बनाया था थायोएसीटोन। तो वो ये बनाने में सक्सेसफुल तो हो गए, लेकिन जब ये बना तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव थी कि वो जो एरिया था, वो जो टाउन था पूरा का पूरा, उस टाउन में इसकी स्मेल पूरी की पूरी मिल गई हवा में, और लोग मतलब वॉमिटिंग शुरू हो गया, लोगों को डिजीनेस माइंड में आ गया और थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया, दैट्स वाई इसको दे दिया गया है वर्ल्ड्स वर्स्ट केमिकल स्मेल का खिताब थायोएसीटोन को, क्योंकि वहाँ पे इतना ढेर सारा लार्ज इवैक्यूएशन हुआ था। अब कई लोगों का मानना है कि थायोएसीटोन की जगह इन दोनों को कंपैरेटिवली बोलना चाहिए वर्स्ट केमिकल स्मेल वाला कंपाउंड। ठीक है ना, यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड क्या हो सकते हैं, प्रोपेन डाइथायोल और 4-methyl-4-sulfonyl-pentane-2-one। ठीक है, तो ये दोनों भी दावेदारी अच्छे से पेश करते हैं वर्स्ट स्मेल के लिए, वर्स्ट केमिकल स्मेल के लिए। अब क्यों ऐसा है, देखो दोनों में थायोल ग्रुप मौजूद है, थायोल का मतलब आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हैविंग SH ग्रुप, जिसमें SH ग्रुप होगा उसको हम लोग बोल देंगे वो थायोल है। ठीक है ना, तो ये भी दोनों थायोल ही है, यहाँ पे दो थायोल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखने से मालूम चल रहा है कि जहाँ पर थायोल ग्रुप लगा रहेगा उसकी स्मेल ऑफेंसिव होगी। ठीक है, ये नोट डाउन करने वाली बात थी। अब इन दोनों की स्मेल इतनी ज़्यादा ऑफेंसिव है कि साइंटिस्ट ये डिसाइड ही नहीं करना चाहते कि दोनों में से वर्स्ट स्मेल किसकी है। अब कौन जाएगा भाई, लिटरली तुम सोच के देखो कि दोनों में से कौन जाएगा डिसाइड करने की कौन ज़्यादा स्मेल कर रहा है, कौन कम स्मेल कर रहा है, कोई नहीं जाएगा। तो दोनों लोग का बात ऐसे ही छोड़ दिया गया यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर बात ये नहीं थी कि यहाँ पर मैं स्मेल की चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग को थायोल का यहाँ पे यूजेज मैं बताने वाला हूँ कि जो इसकी ऑफेंसिव यूज़ है इसको भी कैसे पॉजिटिव वे में हम लोग यूज़ करते हैं। जो थायोल्स की ऑफेंसिव स्मेल है, मतलब बहुत बुरी स्मेल आती है, उसको हम लोग पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, देखो, पहला तो LPG गैसेस में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप लोग ने सुना होगा, उसके अंदर क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, मतलब प्रोपेन गैस कई में भरा जाता है, कई में ब्यूटेन गैस भरा जाता है, कई में दोनों का मिक्सचर भरा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोग को बताऊँ USA और UK का हाल, ठीक है ना, इन दोनों कंट्रीज़ में ये होता है कि यहाँ पर 100% प्रोपेन गैस भरा जाता है। ठीक है, 100% प्रोपेन गैस भरा जाता है LPG के अंदर, लेकिन अपने इंडिया में, अपने भारत देश में 35:65 का आकलन लेके चला जाता है, मतलब 35% क्या होता है, प्रोपेन होता है उसमें, और 65% उसमें ब्यूटेन होता है। ठीक है, 35% प्रोपेन गैस होता है और 65% ब्यूटेन गैस होता है अपने इंडिया में LPG गैसेस के अंदर। अच्छा, तो प्रोपेन का और ब्यूटेन का खुद का स्मेल नहीं होता है, मतलब LPG गैस का खुद का कोई स्मेल नहीं होता है, उसमें अलग से स्मेल ऐड किया जाता है ताकि हम उसका स्मेल लेके पता कर सकें कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है गैस का, ठीक है, और कोई दुर्घटना होने से बच जाए। कौन सा कंपाउंड ऐड किया जाता है LPG गैस में जिसकी वजह से हम लोग उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि LPG गैस ही महक रहा है, तो वो भी बेटा एक थायोल ग्रुप ही उसमें अटैच्ड होता है। देखो, उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन, थायोल का दूसरा नाम मरकैप्टन भी बोलते हैं इसको लोग, ठीक है, तो इथेन थायोल, देखो स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ उसको इरेज करके, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। इथेन थायोल, ये देखो CH3CH2SH, देखो यहाँ पे थायोल ग्रुप लग गया कि नहीं, तो इसको इथाइल मरकैप्टन भी बोलते हैं बेटा, इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, इथाइल मरकैप्टन ना, यहाँ पे इथेन लिखा है क्या, सॉरी इथाइल होगा ना, इथाइल मरकैप्टन। अच्छा, ये SH ग्रुप लगा हुआ इथाइल मरकैप्टन, यहाँ पे थायोल ग्रुप की वजह से इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, और इसी ऑफेंसिव स्मेल को हम लोग ऐड करते हैं LPG गैसेस में ताकि ये लीकेजेस के टाइम हमको इंडिकेट कर दे कि यहाँ पे लीकेज हो रहा है और कोई दुर्घटना होने से बच जाए।
सेम यही प्रोसीजर बेटा नेचुरल गैस में भी होता है। नेचुरल गैस में क्या होता है, नेचुरल गैस मीथेन गैस होता है, आप लोग जानते हो, मीथेन की खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, उसमें भी एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है थायोल कंटेनिंग कंपाउंड वाला, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें थायोल मौजूद हो। अब ऐसा कौन सा कंपाउंड इसमें डाला जाता है, देखो टर्शियरी ब्यूटाइल थायोल, पहले तो टर्शियरी ब्यूटाइल आप लोग को ग्रुप बनाना मैं सिखाया था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप कैसे बनता है, ऐसे बनाया था मैंने, ये देखो यहाँ पर ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब इसी टर्शियरी ब्यूटाइल के यहाँ पर हमको SH ग्रुप लगा देना है, देखो ये क्या हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल थायोल, टर्शियरी ब्यूटाइल थायोल, ठीक है। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल थायोल, इसकी भी स्मेल काफ़ी ऑफेंसिव होती है, इसको ऐड किया जाता है नेचुरल गैस के अंदर ताकि कहीं नेचुरल गैस का लीकेज हो तो हमको पता चल जाए। तो देखो थायोल्स के ऑफेंसिव स्मेल का हमने पॉजिटिव वे में यूज़ किया, ठीक है, और कई दुर्घटनाएं इससे बच जाती हैं इसके स्मेल से। तो ये था स्मेलिंग के बारे में, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप अच्छी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ यूज़ आता है। देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, तो या तो आपने उसको सही से पढ़ा नहीं है या तो आपको सही से पढ़ाया नहीं गया उसे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चलिए।